So, hello students and welcome to our channel eduentainment. This is our part 3 of our ongoing series of chapter 3 standard 10th mathematics, which is the chapter name is pair of linear equation in two variables. So, we इससे पहले जो पार्ट टू वीडियो बनाया था वो इंग्लिश में बनाया था, वो टेस्ट करने के लिए कि इंग्लिश में वीडियो मैं बनाता हूँ तो कैसी बनती है. तो वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने वो पूरी वीडियो इंग्लिश में बनाई है. आपने अगर नहीं देखी है तो जरूर चेकआउट कीजिए हमारा पार्ट वन पार्ट टू दोनों, पहले आप देख लीजिए चैप्टर थ्री का, फिर आप पार्ट थ्री देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. और हमने चैप्टर वन का भी कवर कर लिया, चैप्टर टू का भी कवर कर लिया है, और हमने एक एडवेंचर एक्स्ट्रा एपिसोड वन भी बनाया है पाई के ऊपर. अगर आपको वो भी देखने की इच्छा है तो आप जरूर देखें, लिंक विल बी इन द आई बटन. सो आज हम शुरू करते हैं पार्ट थ्री, और आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेथड ऑफ एलिमिनेशन. बहुत इजी मेथड है और ये वीडियो भी बहुत छोटा रहने वाला है, तो आप जरूर पूरा वीडियो देखिए. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. तो चलिए शुरू करते हैं थोड़ा जोश के साथ. सो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं हमारा मेथड क्या है. अब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को दिया हुआ है, तो हमको कैसे सॉल्व करना है वो मेथड ऑफ एलिमिनेशन का. हमने इससे पहले वीडियो में क्या सीखा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. मतलब हम क्या करते थे कि y के जगह हम x रख लेते थे, और y यहां से y की वैल्यू निकाल लेते थे x के टर्म में, फिर यहां पे y सब्स्टिट्यूट कर लेते थे तो हमको सॉल्यूशन मिल जाता था. इसमें हमको क्या करना है कि कोई या तो x वेरिएबल या तो y वेरिएबल बिल्कुल ही हटा देना, उड़ा देना है उसको, कैंसिल कर लेना हमारे इस दोनों इक्वेशन. वो कैसे करेंगे तो बहुत इजी मेथड है. पहले क्या करना है कि हमको देखना है इक्वेशन को, ये है 4x plus 7 y equals to 44. दूसरा इक्वेशन क्या है, x plus 3y equals to 12. पहले हमको ये डिसाइड करना है कि मुझे x को रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है, या y को एलिमिनेट करना है. अभी मैंने सोच लिया कि मुझे x को एलिमिनेट करना है, अभी मुझे माइनस शुरू मुझे x को एलिमिनेट करना है. यहाँ पे 4x है और यहाँ पे x है, 4x माइनस क्या होगा कि मुझे मेरा x रिमूव हो जाएगा, तो 4x माइनस 4x हो जाएगा तो मेरा x रिमूव हो जाएगा. तो मुझे यही करना है. अभी इसको मुझे 4x यहाँ पे है नहीं तो वो कैसे लाऊंगा, सिंपल है, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से भी 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ से भी 4 से मल्टीप्लाई, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन जैसा का तैसा. तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, हमको क्या मिला, 4x प्लस 4 थ्री 12y इक्वल टू 4 2 8 एंड 4 1 4, तो हमको 14. अब हमारा इक्वेशन देखो, यहाँ पे 4x यहाँ पे 4x, तो अब हम x को एलिमिनेट आसानी से कर सकते हैं. क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन 2 था ओरिजिनल, और ये हमने जो इक्वेशन बनाया इक्वेशन 3. सब्ट्रैक्टिंग तो अब हम क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3. इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमको रिमूव कर, तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 है तो हमने हमको पहले इक्वेशन 3 लिखना पड़ेगा, 4x प्लस 12y इक्वल्स टू 48, इक्वल्स टू नहीं रखना, इक्वल्स टू 48. क्या माइनस करना है इक्वेशन 1 को, तो ये हमारा इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1, वो क्या है, 4x प्लस 7y इक्वल्स टू सॉरी इक्वल्स टू आ गया 48 माइनस 44. इक्वेशन 3 को हमने इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो हमारा अभी x रिमूव हो जाएगा, तो पहले उसको रब कर लेते ऊपर वाला, सॉल्व करते हैं इसको फटाफट. क्या मिला हमको, ये हम ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, 4x प्लस 12y ठीक है माइनस 4x माइनस 7y विच इज इक्वल्स टू 48 माइनस 44. देयरफॉर 4x 4x हमारा कैंसिल हो गया, 12y माइनस 7y 5y इक्वल्स टू 4, तो हमारा y क्या आ गया, 4/5. अभी y मिल गया है तो कोई भी इक्वेशन दोनों इक्वेशन में से रख लो तो हमको x भी आसानी से मिल जाएगा. तो ये हमारा मेथड ऑफ एलिमिनेशन. आप ऐसे भी सब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और एक और तरीका है सब्स्ट्रैक्ट करने का, वो भी दिखाई लेता हूं आपको. हमारा इक्वेशन था इक्वेशन 3, पहले लिख लेता हूं, 4x प्लस 12y इक्वल्स टू 48.
हमारा फर्स्ट इक्वेशन था 4x प्लस 7y इक्वल्स टू 44. डायरेक्टली यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस साइन है माइनस आ जाएगा, प्लस साइन है माइनस आ जाएगा. ओके ये हमारा प्लस साइन, प्लस और माइनस ये वाला साइन नहीं देखना, अभी ये हमारा नीचे वाला साइन देखना. तो 4x माइनस 4x कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा. 12y ये साइन नहीं देखना, अभी ये साइन देखना. 12y माइनस 7y प्लस 5y इक्वल्स टू 48 माइनस 44 4. तो हमारा y क्या आ गया 4/5. अभी हम दूसरा भी कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि y को एलिमिनेट करना, हमको x को एलिमिनेट नहीं करना. ये इक्वेशन ले लेते हैं, ये वाला इक्वेशन x प्लस 12y नहीं था हमारा, 3y था इक्वल्स टू 12. अभी मुझे मेरी इच्छा है कि मुझे y को एलिमिनेट करना है, क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3y यहाँ 7y है, यहाँ मैं इक्वेशन हमारा एलसीएम लेना पड़ेगा. 3 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 21 होगा. तो इसको ये इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड. तो ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन रहेगा, यहाँ पे 7 यहाँ पे 3. अब क्या होगा देखो, 7x प्लस 7 3 21 y इक्वल्स टू 12 इनटू 7 3 इनटू 4 12x प्लस 3 7 21 हमारे तो यहाँ भी 21 आ गया, यहाँ भी 21 आ गया. जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आसानी से आप यही मेथड इस्तेमाल, ये मेथड इस्तेमाल कीजिए, या तो सिंपल आप ये इक्वेशन लिखिए माइनस ये इक्वेशन और इक्वल्स टू दिस और माइनस दिस, आपका आंसर आ जाएगा. तो ये है हमारा बेसिकली मेथड ऑफ एलिमिनेशन. आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से. तो स्टूडेंट्स आखिर में ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और अभी के लिए बाय बाय, और आपके लिए मस्ती भाई.